पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम की यात्रा को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस बीच हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। वहीं भाजपा ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। भाजपा के स्थानीय नेता का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर आज हमला किया गया। अगर टीएमसी इस तरह की राजनीति करना चाहती है तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आए दिन बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प बनी हुई है। और कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो कभी टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। वहीं दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आमंत्रित हैं।